जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो जान लेते हैं आज की प्रमुख शैक्षिक समाचार। सबसे पहले, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 2 माह की राशि हस्तांतरित करेंगे। 51 लाख लाभार्थियों के खाते में 1005 करोड़ रुपये। अगली खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ कुछ बोर्ड के द्वारा मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी सुधार अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं देखा जाए तो लेवल 2 के भी मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी सुधार में भी दोबारा से रिवाइज रिजल्ट किया गया है, जिसके लिए पात्रता सूची दस्तावेज के लिए उनकी सूचीबद्ध किया गया है। अगली खबर है, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि वार्ता में क्या हुआ, अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर दें, रीट पात्रता परीक्षा का ऐलान जल्द होगा, यही वार्ता का नतीजा निकला। अगली खबर है, 83 शिक्षकों में पदोन्नति और तबादले नहीं होने से आक्रोश, TSP से non-TSP में नहीं हो रहे तबादले, लंबित प्रकरणों से भी प्रभावित शिक्षक, आंदोलन ही आखिरी रास्ता। DPC में कानूनी अड़चन से नहीं हुई पदस्थापना, DPC के इंतजार में शिक्षक बच्चों की अटकी शिक्षा, अटकी बच्चों की पढ़ाई, DPC होने वाले पदोन्नति योग्य शिक्षकों ने पदस्थापित स्थान से जाने का पूरा मन बना लिया है।